हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में जानेंगे। तो पहला लेक्चर में हम लोग सिर्फ वर्टिकल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में देखे थे। तो नाम से ही पता चल रहा है, इन्वर्टेड यूट्यूब मतलब यूट्यूब का जैसा शेप होता है उसका उल्टा होता है। तो यू का अगर उल्टा कर देते तो ऐसा शेप आता है। बाकी सब सेम ही है, दोनों तरफ दो लिक्विड कनेक्टेड है और ये बीच में मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। तो ये दो साइड से प्रेशर दे रहा है और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है ये तीनों फ्लूइड एक साथ। ठीक है, तो हम लोगों को एक रेफरेंस लाइन लेना होगा, क्योंकि वो रेफरेंस लाइन और डेटम लाइन से हम लोग हाइट को मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि पहले जब यू होता था तब क्या करते थे हम लोग, मैनोमीटर लिक्विड का जिस साइड का लेवल कम होता था उस लेवल को हम लोग डेटम लाइन ले लेते हैं। तो यह उल्टा होता है इन्वर्टेड, तो जिस साइड का लेवल मैनोमेट्रिक फ्लूइड का ज़्यादा है उस लेवल को हम लोग डेटम लाइन ले लेते हैं उस लेवल में। तो बाया साइड में ज़्यादा है कंफर्टेबली डाया साइड से, तो यहाँ पर ले लेते। और अब ये डाटा लाइन से रेस्पेक्टिव में हम लोग हाइट और प्रेशर मेज़र करते। तो लेफ्ट लिम में प्रेशर इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मान लो कि एच ए जो है ना वो होता है प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड ए इन बोल सकते कि मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग एस को वन लेना है इसलिए वाटर में हम लोगों को मेजर करते हैं। ये पिछला लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, माइनस एच वन एस वन ये जो कॉलम है ना, तो इसके वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा ये डाटम लाइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि मान लो ये डाटम लाइन में एक मान लो कि स्केल रखा हुआ है। ठीक है, तो लिक्विड ए के वजह से तो प्रेशर बाहर की तरफ रहेगा, तो ये वाला लिक्विड छोड़ दो। ठीक है, तो ये लिक्विड की वजह से क्या होगा, ये स्केल ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो इसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। पर ये जो लिक्विड कॉलम है ना ये वाला ईच वन हाइट का, इसकी वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ धकेलेगा। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते कि यूट्यूब में जब होता था तब हम ऊपर से जब नीचे की तरफ आते थे ना, तो ईच एस इक्वेशन में क्या लिखते थे, पॉजिटिव प्रेशर लिखते थे, पर यहाँ पर कॉलम में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ईच एस इक्वेशन में हम लोग नेगेटिव लिखना होगा। तो यही मान लो कि ये जो लिक्विड ए की वजह से होता है वो होता है पॉजिटिव प्रेशर, और ये जो कॉलम होता है जो डाटम लाइन के नीचे रहता है उसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, जब ऊपर रहता है ये कॉलम तब ऑब्वियसली पॉजिटिव प्रेशर होगा। सिमिलरली राइट लिम में कितना होगा, इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एच बी माइनस एच टू एस टू माइनस एच एस। अब प्रेशर इज सेम एट द डाटम लाइन, तो दोनों को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वल कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा एच ए माइनस एच बी इक्वल टू एच वन एस वन माइनस एच टू एस टू माइनस एच एस। तो ये डेरिवेशन तो हम लोग लास्ट इक्वेशन तो हम लोग को याद रखना नहीं है, सिर्फ कैसे डिराइव किया है वो याद रखना है, और कैसे देखा है कि जब कॉलम नीचे रहता है डाटम लाइन का तो नेगेटिव होता है, और बाकी ये लिक्विड ए और बी का तो पॉजिटिव ही होगा है। ठीक है, तो एक चीज़ कि दिस टाइप ऑफ मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग डिफरेंस ऑफ टू प्रेशर वेयर एक्यूरेसी इज द मेजर कंसीडरेशन एंड फॉर द लाइट लिक्विड। मतलब हम लोगों को ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए जब, और जब लिक्विड का डेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं होता, उन सब क्षेत्र में हम लोग ये वाला मैनोमीटर यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए एज शोन इन द अबव फिगर इन सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, ए और बी दोनों साइड में कनेक्टेड है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.8 और बी का दिया हुआ है 1, और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 0.65, हाइट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ऑब्वियसली ईच एस इक्वेशन से हम लोगों को मिल जाएगा कैसे होता, तो ईच एस इक्वेशन से कैसे कर सकते हैं कि ईच ए ये वाला माइनस
हम लिख सकते हैं, ये जो ए लिक्विड का कॉलम होता है 50 सेंटीमीटर हाइट का है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, तो एच एस क्या हो जाएगा, माइनस 50 × 0.8। और डाटम लाइन कौन सा पकड़े, ये वाला डाटम लाइन लिया है, ठीक है। तो ये वाला कॉलम होगा 25 सेंटीमीटर का मैनोमेटिक फ्लूइड का कॉलम, उसके वजह से कितना एच एस होगा, 25 × 0.65, ठीक है। अब राइट साइड में क्या होगा, ये वाला जो कॉलम होगा लिक्विड बी का 100 सेंटीमीटर का, उसके वजह से प्लस 100 × 1 होगा और इसको इक्वल टू हम लिख सकते हैं एजीबी, ठीक है। तो एजीबी माइनस एच है, हम लोगों को मिल जाएगा 43.75 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, यही आंसर है। थैंक यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have any doubts related to this topic, feel free to ask in the comment box, and you can write the answer of the assignments in the comment box below. If this video was helpful for you, then you can like, share and subscribe to our channel. If you are preparing for GATE, TSC or any other competitive exam for mechanical engineering, you can join our WhatsApp group also. So bas chalo abhi muskurao aur aage badho, and kabhi haste gaate खेलते कूदते अगर ये टॉपिक भूल गए तो फिर से देख लेना ये वीडियो। थैंक यू।